मध्य प्रदेश में गरबा पांडालों में आईडी कार्ड चेक कर ही व्यक्ति को प्रवेश देने की गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने हिदायत दी थी। इसके पीछे उन्होंने माता की आराधना का पर्व होने का हवाला दिया था। वहीं अब इस पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है। माँ की पूजा के दिन है और स्वाभाविक रूप से हमारी संस्कृति मंत्री जी है वो इस बारे में स्पष्ट कह चुकी है। तो जो भी व्यक्ति आएगा तो गरबा के आयोजकों को ये देखना होगा, तो आई कार्ड उनका देखें, पहचान सबकी हो, जिससे कोई अप्रिय स्थिति का निर्माण ना हो। उसके पीछे भाव सिर्फ इतना है, बाकी पूजा के लिए सवाल इस बात का है कि गरबा में अगर इस तरह का प्रतिबंध लगाना धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है। मेरी तो अपील है कि अगर सरकार इस तरह का हमारे गरबा में शामिल होने वाले भाई बहनों के को दमन चक्र चलाते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं, तो उनको गरबा के लिए अलग से अपनी व्यवस्था करना चाहिए ताकि सरकार की कोई आवश्यकता नहीं हो। सर एक